हमारे चेहरे पुरमन जमहूरी कारकुन है। हम अपना जमहूरी हक इख्तियार कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है। और हम आपकी तरह कोई गैर जमहूरी कदम नहीं अपनाएंगे। हम अपने जेलों को कभी ऐसा हदायत नहीं देंगे कि कहीं यहाँ हमला करो, कहीं वहां हमला करो, कहीं पीटीवी पे हमला करो। हम जमहूरी लोग हैं और हम जमहूरी लोग रहेंगे। हम आपके खिलाफ एक जमहूरी शख्स, एक गैर जमहूरी शख्स के खिलाफ जमहूरी हथियार अपनाएंगे, जमहूरी हथियार अपनाएंगे। और हमारा जमहूरी हथियार अदम एतमाद है। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का कामयाबी है कि आपका लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले सारे अपोजिशन पार्टी जो पहले अदम एतमाद के हक में नहीं थे, आज वो अदम एतमाद के हक में है, जमहूरी मुखालफत के हक में है, जमहूरी सियासत के हक में है, जमहूरी अपोजिशन के हक में है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों जीत। इंशाअल्लाह ताला हम उन इलाकों से भी गुजरेंगे जहां पीटीआई के उम्मीदवार सेलेक्ट हो चुके हैं। हम उन इलाके से भी गुजरेंगे जहां पीटीआई के सहूलत कार सेलेक्ट होके अवानों में पहुंचे हैं। हम उनको एक आखिरी चांस दे रहे हैं कि आपका 3 साल का गुनाह शायद पाकिस्तान के अवाम माफ करने के लिए तैयार होंगे। अगर आप आज आप अपना गलती मान ले, अब मान ले कि आपको इमरान खान को वोट नहीं देना चाहिए था, और जब अदम एतमाद लाया जाता है तो सिलेक्टेड के साथ ना दो, कठपुतली के साथ ना दो, इमरान के साथ ना दो, इस पाकिस्तान के अवाम के साथ दो, जमहूरियत के साथ दो, मुल्क के अवाम के साथ दो, तो फिर शायद आपको माफ किया जा सकता है। इमरान, तेरे ये एक पैगाम है, हम इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। हमारा पहुंचने से पहले 2 ऑप्शन हैं। एक, खुद इस्तीफा चले करो, घर चले जाए। दूसरा, अगर आप भी शर्म है तो आप इस्तीफा दे के घर चले जाएंगे, सियासत से तो रिटायर हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आपका, अगर आप बुजदिल नहीं हो, अगर आप भरपोक नहीं हो, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं डरते हो, अगर हिम्मत है तो मैदान में आए, आमने सामना होगा, असेंबली डिसॉल्व करे, इलेक्शन करवा दे, फैसला आवाम को करने दे कि क्या आज भी वो आपको चाहते हैं। के साथ देना पड़ेगा, आपको इस तारीखी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना पड़ेगा ताकि हम इस मुल्क का किस्मत बदल सके, ताकि हमें अवामी हुकूमत मुंतखब कर सके। जो अवामी हुकूमत होगा
वो आपके मसाइल हल कर सकेंगे। हमारा इस अवामी बादशाह चंद मुतालबात है। हमने मुतालबा किया है कि हमें अपना हक हाथ में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो जमहूरियत जो आपने हमसे छीना है वो हमें वापस दिया जाए। वो वोट पे हक पे जिस पे आपने डाका मारा है, वो जमहूरियत जिसके लिए कायदे आवाम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने अपने जान तक का कुर्बानी दिया है, हम वो जमहूरियत वापस चाहते हैं। हमारा मुतालबा है हक़े मालकियत का। हम समझते हैं कि ये सरजमीन इस मुल्क का आवाम का है। जो भी इस पे उठता है या जो भी इस सरजमीन के नीचे है ये इस आवाम का है। आपने हर सूबा का हक पे टका मारा है, आपने मेरा बलूचिस्तान के हक पे टका मारा है, आपने मेरा पख्तून ख्वा खैबर पख्तून ख्वा का हक पे टका मारा है, आपने मेरा आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हक पे टका मारा है, आपने मेरा वसीत के हक पे टका मारा है, आपने पंजाब के हक पे टका मारा है। इंशाअल्लाह ताला हमें अवाम को उनका हक वापस दिलवाएंगे। हम हर सूबा को उनका हक वापस दिलवाएंगे। हम अपना हक रोजगार का मुतालबा करते हैं। आपने पाकिस्तान के अवाम से रोजगार छीना है, आपने मुआशी बहरान पैदा करके तारीखी महंगाई तारीखी गुर्बत तारीखी बेरोजगारी का बंदोबस्त करके मुआशी बहरान पैदा करके इस मुल्क के नौजवानों से रोजगार छीना। हमें अपना हक रोजगार से हम हक बराबरी का बात करते हैं। हम बराबरी और मुसावात पर यकीन रखते हैं कि ये मुल्क हर शहरी का है, ये मुल्क गरीबों का है और अमीरों का है, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में एक कानून होना चाहिए, गरीबों के लिए और अमीरों के लिए एक कानून होना चाहिए। इस मुल्क में हर शख्स का इक्वल राइट होना चाहिए।